नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कर्टेन हॉल. एंड या विदाउट फर्दर डू लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो ये जितने भी कर्टेन्स हैं ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं. मैंने फर्स्ट टाइम मीशो से कर्टेन्स मंगवाए हैं एंड मुझे स्पेसिफिकली कॉटन कर्टेन्स ही चाहिए थे. मुझे पॉलिएस्टर फैब्रिक नहीं चाहिए था. मुझे वो जो शाइनी मटेरियल होता है वो ज्यादा पसंद नहीं आता है. तो मुझे स्पेसिफिकली कॉटन ही चाहिए थे. एंड थोड़ा सा कॉटन एक्चुअली क्या होता है ना, ये तो ना तो ज्यादा थिक होते हैं और ना ज्यादा थिन होते हैं. मतलब 60% ये ब्लॉकेज करते हैं. जितनी रोशनी चाहिए होती है उतना ही ये सनलाइट जो है वो अंदर प्रोवाइड करते हैं. तो जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये. दिस इज इन द रेड एंड येलो कलर. तो मैंने यूज वैसे तो सारे न्यूट्रल कलर्स ही मंगवाए, मतलब लाइट कलर्स ही मंगवाए हैं, बट दिस इज द ओनली कलर जो मैंने रेड एंड येलो कलर में मंगवाया है. मेरे पास सब बहुत लाइट कलर के कर्टन्स हैं. एंड फिर जब दिवाली आती है, फेस्टिव टाइम आता है ना, तो मैं बहुत चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए. ऐसे ऐसे मेरे पास आइडियाज होते हैं बट फिर वो कर्टन्स का गेम खत्म हो जाता है. तो मैंने ये फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए या कभी मूड चेंज करना है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वाला कलर मंगवाया है. सो आई रियली लाइक द कलर. क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी. कॉटन फैब्रिक है एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. फॉर अ चेंज आपको लगाना हो तो रेड एंड मस्टर्ड कलर में. तो उसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट मंगवाया है वो अगेन मैंने कॉटन मंगवाया है. बट ये मुझे ना ऐसा थोड़ा सा चादर टाइप का फीलिंग दे रहा है. प्रिंट फैब्रिक सब कुछ बहुत अच्छा है. अगेन कॉटन का ही है. ऐसे बहुत ही अच्छी मॉडर्न क्लासिक प्रिंट्स बने हुए हैं. है बहुत सुंदर, बहुत क्लासी है, बट ये बहुत ज्यादा थिन फैब्रिक है. तो या तो मुझे इसके पीछे वो लगाना पड़ेगा, अगेन लाइनिंग लगानी पड़ेगी, अस्तर लगाना पड़ेगा, तब जा करके ये थोड़ा वैसा मटेरियल हो पाएगा. अदरवाइज ये इसको जब भी मैं वॉश करके यू नो वो करूंगी ना, तो मुझे इसको आयनिंग करना पड़ेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो ये मुझे ठीक लगा है. कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ बहुत अच्छा है. अगर आपके यहाँ बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं आती ना, बहुत हमारे यहाँ सनलाइट बहुत डोमिनेटिंग वे में आती है, मतलब बहुत भर भर के सनलाइट आती है. तो अगर ये कम सनलाइट, जैसे जब शेडी डेज होते हैं, मतलब मानसून वाले जब डेज होते हैं ना, तब आप इनको यूज कर सकते हैं, तब मैं इनको यूज कर लूंगी. तो ये लगे तो मुझे बहुत अच्छे हैं. बट हाँ, क्वालिटी में थोड़े थिन है कंपैरेटिवली जो मेरे पास अभी बाकी के आए हैं उनसे. उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास कर्टन आया है, दिस इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट कर्टन. बहुत अच्छा लगा. मैं सोच रही हूँ इसको दो बार मंगवाने का क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है. दिस इज अ प्योर व्हाइट कर्टन और इसमें बहुत छोटे छोटे से ऐसे प्रिंट्स बने हुए हैं. उसके बाद यहाँ पर जो रिम दी हुई है वो मेटल की है. डेफिनेटली कॉस्ट वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली जो बाकी के कर्टन्स हैं उनसे, बट मेरे को पर्सनली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है. वर्थ द मनी है. अब आप इसका शेड देख सकते हैं कि कितना ये ब्लैकआउट करता है. तो यस, ये है मेरा नेक्स्ट कर्टन. इसके मैंने दो कर्टन्स मंगवाए हैं. ये थोड़े एक्सपेंसिव पड़े थे मुझे बट मेरे को काफी अच्छा लगा. सो यस, इसको लगाऊंगी अपने हॉल में. मैंने इसको हॉल में लगाने का सोच करके रखा हुआ है. मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है. तो ये है मेरा नेक्स्ट कर्टन. नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ऐसे एकदम व्हाइट कर्टन नहीं है बट ऐसे ऑफ व्हाइट टाइप का कर्टन है जो कि मुझे अच्छा लगा. डिसेंट क्वालिटी में है एंड प्राइस भी काफी अच्छा है. स्टील के रिम्स दिए हुए हैं. तो इस तरह के रेंज के जो मैंने कर्टन देखे हुए हैं दूसरी वेबसाइट से, क्योंकि मैं काफी टाइम से कर्टन सर्च कर रही थी, मैंने सोचा क्यों ना मीशो ट्राई करके देखते हैं. ठीक है, बाकी जगहों के तो मेरे को पता ही हुआ है कि कैसे प्राइस रेंज होती है. तो कुछ प्राइजेस काफी सस्ती है और क्वालिटी बहुत अच्छी मिल गई मुझे. तो यस, ये है. काफी ब्यूटीफुल से ब्लॉक प्रिंट्स बने हुए हैं और बहुत सही लगा मुझे. इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं. ये बहुत ट्रेंड में है ये आजकल. मैं बहुत टाइम से चाह रही थी ब्लॉक प्रिंट्स लेने का बट फिर मैं वही सोचती थी नए घर में जाऊंगी तब करेंगे. तो ये मुझे काफी अच्छे लगे ये वाले भी. सो यस, बदल बदल के यूज करने के लिए कर्टन्स हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास कर्टन्स बहुत ज्यादा नहीं है. मैं यूजुअली वही कर्टन लगे रहने देती हूँ. प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से परचेस करे हैं. आई होप आपको पसंद आए होंगे एंड सारे कर्टन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है. हाईली रिकमेंडेड. उनको नहीं पता है मीशो क्या होता है, मैं उनको बता देती हूँ. तो मीशो एक ऑनलाइन इंडिया का रीसेलिंग ऐप है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप उसको क्लिक करिए, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा. डिस्काउंट्स वगैरह काफी सारे मिलेंगे, ऑफर्स रहेंगे, कैशबैक मिलेगा. तो जब आप सारा यू नो डाउनलोड कर लेते हैं, आप कैटलॉग को गो थ्रू करिए, कैटेगरीज देखिए कि क्या क्या कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं. जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है वो प्रोडक्ट या तो आप खुद परचेस कर लीजिए एंड या फिर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं. जब आप उस प्रोडक्ट को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो जो प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है, सपोज 100 रुपीज, आप उसमें एक एक्स्ट्रा प्राइस ऐड करेंगे. जिसको सपोज हमने 50 रुपीज उसमें ऐड कर लिया, 80 रुपीज ऐड कर लिया, 20 रुपीज ऐड कर लिया, तो वो जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस हो गया 150 हो गया है ना. 100 का प्रोडक्ट था, आपने जो भी ऐड किया 150 हो गया उसका प्राइस. तो वो जो 50 रुपए है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है. रीसेलिंग का बिजनेस है, सिंपल रीसेलिंग है, बट इसमें आपको कोई भी यू नो तामझाम नहीं करना है. जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है. ट्राई जरूर करके देखिएगा एंड बिल्कुल
हैसल फ्री है, आपको कुछ नहीं लोड लेना है, सारा डिलीवरी विलीवरी रिटर्न एक्सचेंज सब कुछ मीशो खुद देखने वाला है. सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.